नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुपर संडे के 4 बजे का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको लिब्रा ऑफिस। आज के इस अध्याय में हम लिब्रा ऑफिस की प्लेलिस्ट में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रीसेंट और सेव एज। पिछली बार हमने सेव और ओपन की बात की थी, अब रीसेंट एज, रीसेंट और सेव एज, और भी एक, हाँ चलिए रीसेंट और सेव एज की ही बात करेंगे। तो सेव एज दो तरीके से कर सकते हैं, रीसेंट को भी दो तरीके से किया जा सकता है। रीसेंट करने के लिए आपको एक ही तरीका है उसका, सॉरी। आइए फिर इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैं करता हूँ फाइल मेन्यू को ओपन, ऑल्ट प्लस एफ से। अब यहाँ पर अगर मैं U प्रेस करूँ, U फॉर अम्ब्रेला, ये मेरी प्रीवियस फाइल है, टेक्निकल क्लासेस जो मैंने बनाई थी पिछली बार, आपको याद होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहीं से ओपन कर सकता हूँ। एंटर करते हैं, देखते हैं ओपन होती है या नहीं होती। Enter, leaving menu, edit, 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 edit. This is a car, the quick brown fox jumps over the lazy dog. ठीक है, इस तरह से आप रीसेंट मेन्यू से कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और क्लोज करते हैं। Alt F4, edit, edit. अब फिर से मैं वापस आ गया Alt F4 से। Edit. Title is untitled 1M-LibreOffice. तो रीसेंट मेन्यू में हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर कैसे करेंगे? Alt F. Alt F. File menu. New 1. Technic. Clear list. C. Clear list. C. Enter करेंगे। Enter. Leaving menu. Edit. Edit. Clear हो गई। अब दोबारा से क्लियर करने के बाद मैं Alt F कर। Alt F. File menu. New Recent documents. Sub menu. New. देखो, अब नहीं शो हो रही है। Edit menu. Undo. File F. File menu. Open. Dot. Dot. ठीक है। Escape, leaving menu, edit, escape. तो इस तरह से हम रीसेंट मेन्यू से फाइल को क्लियर कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन बता दिया। अब बात करते हैं सेव एज की। सेव एज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। Double I, ah, the plan. Double E, L, C, O, N, E, welcome. T, O, 2, P, E, C, H, N, I, C, L, L, A.L technical C L A S E S classes F O R V 4 Miss R space V I Y enter welcome to technical classes fo vi blank welcome to technical classes misspelled fo space misspelled F O space V space R 4 vi I space blank enter I A A A M D E V dev V OARA Vora Enter. तो मैंने ये दो लाइनें लिख ली हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव एस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस से। Control Shift S, Save as Dialog, File Name, Edit Combo, Untitled 1.out, to set the value, use the arrow keys or type the value, Alt plus N. तो इसका जो इंस्टेंशन है वो क्या है? N, T, D, O, Period. Period. O, O, T, D, T, T, Tango, D, Delta, O,Oscar, period. ठीक है, तो आप इंस्टेंशन याद रखेंगे साथियों, ओ डॉट ओ टी ओ डी टी ओ डी डी फॉर डेल्टा वन पीरियड ओ ओस्कर ऑस्कर टी डेल्टा डेल्टा टी टैंगो टैंगो प्लैग ओ डी टी, इसकी ये इंस्टेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सेव कैसे करा जाए। टैप प्रेस करते हैं। Add, save a type, combo box, ODF text document. ODF, यहाँ पर आप काफी सारे formats हैं जिसमें आप सेव कर सकते हैं। ODF text document, star dot out, 1 of 17. 17 तरह के formats दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से आप मन चाहा format में सेव कर सकते हैं। Add, automatic file name extension checkbox checked, so clear checkmark, press space bar, alt plus A.फाइल नेम के साथ ऑटोमेटिक इंस्टेंशन लगा देगा अगर आप इसको चेक बॉक्स चेक रखेंगे। Tab, save with password, checkbox not checked, check. अगर आप इस ऑप्शन को चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। Tab, encrypt with GPG key, checkbox. Encrypt with GPG key, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको भी के लिए लीव करें। Toolbar I folders button to activate press space bar. Tab, save button to activate press space bar. Alt plus S.
ओल्ड टेस्ट। अब आप ओल्ड टेस्ट दो तरीके से कर सकते थे इसको। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। तो इस तरह से हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, और रीसेंट, अब एक बार इसको सेव एज मैंने किया, इसको ओपन कर Save document, modal dialog, don't save button, the app, cancel tab, save button, the activate, press space bar S. यहाँ पर भी आप स्पेस बार करेंगे। Space, folder view, list view, not selected audio, 1 of 59, L, LibreOffice, enter, location, FS reader, Zebra, list box, untitled 1, 1 of 1. अब मैं आपको recent document से open करना सिखाता हूँ, tab press करते हैं, देखिए मैं Tab, open tab, remote tab, recent tab, templates, but tab, writer document button, the act. राइटर डॉक्यूमेंट एंटर करें, कुछ देर edit. ये लीजिए, ओपन हो गया, एंटर करते ही ओपन हो गया। edit. अगर आपके पास जो ये लिब्रे ऑफिस है, थोड़ा सा कई बार टाइम लगाता है पर कई बार बड़ी जल्दी ओपन हो जाता है। तो अभी ये डॉक्यूमेंट मेरे पास एक ब्लैंक पेज ओपन है। अब रिसेंट से कैसे इसको ओपन करते हैं वो सीखते हैं एक बार दोबारा से। ओल्ड एफ करना, ओल्ड एफ, फाइल मेन्यू, न्यू, वन, अनटाइटल्ड 1.0.1, अनटाइटल 1.0, एंटर करेंगे। एंटर, लीविंग मेन्यू, एडिट, 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 वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस फॉर वाई, आई एम डेवोरा। ठीक है, यही मैंने लिखा था। इस तरह से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट से ओपन कर सकते हैं, वरना प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था, बाहर ही रिसेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहां पर भी डॉक्यूमेंट शो होगा आपको, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जहां की फाइल होगी, जैसे राइटर डॉक्यूमेंट की फाइल है, अगर पावर पॉइंट की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, तो वो अपने आप उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें टेक्निकल क्लासेस फॉर VI यूट्यूब चैनल को, बने रहें मेरे साथ, आइए कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप के लिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं काम के जरूर होंगे। बस इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी देखते रहें टेक्निकल क्लासेस फॉर VI यूट्यूब चैनल को। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ।